BJP MP Uttar Pradesh Bharatiya Akshabara Lalgond said on Friday that the Samajwadi Party Supremo Akhilesh Yadav will not be going to Ayodhya Ram Temple due to fear. He accuses Mulayam Singh Yadav, Akhilesh's father, of shooting on killing Ram devotees, due to which he said Akhilesh is afraid to go. Gond was speaking at the sideline of the one-year anniversary of Village Problem, Village Solution program at Bahraich Vikas Bhavan. He also claimed that the Vishwa Hindu Parishad has invited Akhilesh Yadav to inaugural program of Ram Temple. Earlier, the Aspiri Supremo said that he will go whenever the deity calls him. नहीं, जो कार्यक्रम करा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद में, कल मैंने टीवी में देखा कि विश्व हिंदू परिषद के तरफ से उनको ही बुलावा गया है, और शायद वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि उनके पिताजी ने, उनकी पार्टी ने 1985 से 1989 में जो कार्य किया, जो राम भक्तों पर गोली चला करके राम भक्तों की हत्या कराई है, तो भी डर रहे हैं कि उस पावन भूमि पर जाने से हमारा कहीं क्या होगा और जनता हमारे साथ क्या करेगी। ये इसके नाते हो सकता है उनके मन के अंदर कहीं भय हो और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अगर उनके अंदर कहीं ये भाव आ जाए कि वो भी राम भक्त हो जाए, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है, और भगवान की कृपा ही मानिए कि वो भाव इस भक्त में आकर के वो भी भगवान राम को मानने लगे। इसी प्रकार यह जो ग्राम की समस्या, ग्राम में समाधान कार्यक्रम है, हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल यहाँ पर जिले के अंदर 775 चौपाल लगी, और उनमें 2619 समस्याएं जनता के द्वारा रखी गई, उसमें से 2613 समस्याओं का समाधान किया गया। चौपाल में लगभग 5000 लोग शामिल हुए, लगभग 5000 लोग शामिल हुए, 45,400 के करीब लोग शामिल हुए, और उनकी समस्याओं को सुना गया। सरकार की मंशा है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो हमारी जनता है, उनकी कठिनाइयों को वहीं पर हम लोग दूर करने का कार्य करें। आज हम देखते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा गांव के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम सचिवालय का निर्माण किया गया है, वहां पर कंप्यूटर, वहां पर कर्मचारी रखे गए हैं, और प्रतिदिन वहां पर सबसे आग्रह किया जाता है कि जनता आवे, अपनी समस्याओं का को बतावे और उनका समाधान गांव के पर ही जो हमारे कर्मचारी हैं करें। उनसे अगर कोई कठिनाई आती है तो उसके ऊपर हम लोग आते हैं, और वहाँ पर भी जनता के द्वारा, इन कार्यों के द्वारा हमने कितने प्रधानमंत्री आवास दिए, हमने कितने मुख्यमंत्री आवास दिए, सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी जनता को वहाँ पर दी जाती है, और उनको ये भी बताया जाता है कि आवास, शौचालय बांधने पाने के लिए पात्रता क्या है। हम लोग गांव के अंदर अभी आप, हम लोग देख रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, सभी गाँव के अंदर मोदी जी के गारंटी की गाड़ी पहुँच रही है, वहाँ पर जनता भारी संख्या में उनकी बातों को सुनती है, और स्टार लगा करके सभी विभागों का, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, ग्रामीण विकास है, कृषि विभाग है, सारे विभागों का वहाँ पर स्टार लगता है, और जनता को वहाँ पर सारे कर्मचारी अधिकारी मंच से वहाँ पर आने वाली जनता को उनके अधिकारों को बताती है क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, और जो भी कठिनाई है मौके पर ही वहाँ पर इन चौपालों में दूर करने का कार्य किया जाता है, और सभी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हम लोग को संकल्प दिलाने का कार्य किया जाता है, सारे लोग वहाँ पर संकल्प लेते हैं कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे और देश को विकसित बनाने में अपना सहयोग करेंगे।